समाजवादी पार्टी के एक महासचिव राम गोपाल यादव और दूसरे महासचिव शिवपाल सिंह यादव एक मंच पर। राजनीतिक तौर पर एक दूसरे से कई बार दूरी दिखाने वाले ये दो भाई एक साथ दिखे तो जाहिर है समाजवादी पार्टी के लिए सुकून की बात रही होगी। दरअसल ये मौका था इटावा नगरपालिका परिषद के समाजवादी पार्टी कार्यालय के उद्घाटन का, जिसमें हिस्सा लेने दोनों भाई एक ही गाड़ी से पहुंचे। राम गोपाल बोलने को तो स्थानीय निकाय चुनावों के लिए आए थे, हमला करने लगे मोदी और योगी पर। चौबीस में कम हो जाएगा ये समस्या, क्योंकि जितनी बद इंतजामिया, जितना कानून का उल्लंघन, जितने मानवीय मूल्यों की का जो हनन हुआ है इस सरकार में बीजेपी की उत्तर प्रदेश, और ये प्रॉपर ग्राउंड होगा जो दिल्ली में नई सरकार होगी उसके लिए इस सरकार को बर्खास्त करने। इसी बीच अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने कन्नौज में पार्टी की कमान संभाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं की बेकाबू भीड़ पर डिंपल नाराज भी हो गए, क्योंकि उनकी वजह से उन्हें मंच पर पहुंचने में काफी दिक्कत हुई।